राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा आज एक्शन मोड में नजर आए। वह SMS अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अचानक जैसे वे वहां पे पहुंचे तो हड़कंप मच गया, और इसी दरमियान जब व्यवस्था सही नहीं पाई गई तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया और क्या कुछ कहा, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा सोमवार की सुबह अचानक SMS अस्पताल पहुंचे। CM के अचानक पहुंचने से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। CM ने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर के नाराजगी जताई। दरअसल बजलाल GLN मार्ग से BJP कार्यालय पहुंच रहे थे, और इस दौरान वे SMS हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बांगड़ बिल्डिंग में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा उस समय हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। ऐसे में उपाधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे और डॉक्टर जगदीप मोदी ही दौड़ करके CM के पास में पहुंचे, लेकिन तब तक बजलाल कई वार्डों में विजिट कर चुके थे। CM की विजिट के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा मौके पर पहुंचे। CM ने उन्हें जमकर लताड़ा। अस्पताल में गंदगी को देख करके जबरदस्त नाराज भी हुए। उन्होंने डॉक्टर अचल शर्मा को कहा कि ऑफिस में बैठकर काम नहीं होगा, कभी बाहर निकलकर हालात देखे हैं क्या? दरअसल CM सबसे पहले बांगड़ परिसर में पहुंचे थे। यहां उन्हें मुख्य बिल्डिंग के बाहर मरीज और उनके परिजन खुले में दिखे। अधिकारियों ने कहा कि इनके लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। यहां CM ने मरीजों के आसपास गंदगी देख करके अधिकारियों को भी फटकारा और कहा कि यह देश के सबसे चुनिंदा अच्छे हॉस्पिटल में से एक है, यहाँ ऐसी गंदगी और बदहाली ठीक नहीं है। उन्होंने यहाँ तुरंत सफाई करवाने और मरीजों के परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था के निर्देश भी दे दिए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।